हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो सब जनों को। और दोस्तों, हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, रेडी हो गए हैं, आगे जाएंगे, आपको बताएंगे। आगे कथा सुनेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो हम आगे लता के घर में, कौन सी कॉलोनी है? डाकाना कॉलोनी। अब वो तैयार हो रहे हैं जिनके घर में, हम आ गए। हम लोग पहले आगे बैठ गए हम वृंदावन जा रहे हैं। और सुनार में कथा सुनेंगे, ये ब्लॉग बनाएगा, हम बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ साथ में। आगे का हाल दिखाएंगे आपको। ये देखो, इसके घर आए हुए, ये तैयार हो रही है अभी। अब ब्लॉग बनाएंगे हम। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? पहुँच गए हैं डाकाना कॉलोनी में। और ये मेरी फ्रेंड है लता। तो मैं अकेली थी, मैंने चला सरीस के पास आ गई हूँ कथा सुनने के लिए। और ये हमारी बेटी, लता की बेटी है ये। इसकी भी सगाई हो गई है, तो इसने भी बर्थ रखा है फर्स्ट बार। लड़का देखो वहाँ कनाडा में बैठा है, ये यहाँ पास रख दिया है। चलो आगे का हाल दिखाएंगे फिर आपको। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है, कमेंट करके बताना। चल ठीक है। तो ये हम सब जा रहे हैं, मिलके जा रहे हैं, यहाँ पर कथा सुनने जा रहे हैं नीचे। ये हमारा क्या डाकाना कॉलोनी में, ये सब खड़े होके यहाँ पर, और उधर बच्चे आ रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे हो गए सब इकट्ठे, हो गए एक साथ में। और यहाँ पर बिछाएंगे दरी और फिर करेंगे हम कथा। देखो बबली, इधर देखो। अब हम कथा सुनेंगे, उसके बाद दिखाते हैं सारा। कथा करते हुए दिखाएंगे सबको। हैप्पी करवा चौथ मम्मी। बस थोड़ी देर हुई है। लेके गए थे। देखो देखो, चावल ले लिए। कशु कशु ये पता नहीं, ये किसकी है पीछे? पहले तो वो आत कर दिया, बांध दोबारा बांध लिया आप लोगों ने। मैंने ना साथ साथ सबके धागे बांधने के लिए बांध लिए हाथों में, एक दूसरे के तो बांध रहे हैं। और हमने अपने आलिया सजा के रख दी है, सब आगे सजा दी। और इसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। एक दो जने रह जाने के बाद वो दोनों आ जाएंगे, फिर उसके बाद ठीक है। तेरी वीडियो बन रही है। इसमें क्या चाहिए आंटी आपको? चार पांच करोड़ के चेक कटवा के दे दो। ओह ये थोड़ा खुले, इधर कर लो, फिर इधर बिछा लो, यूं लो। अरे ये बिछा लो ना, ये खुले खुले चली। अब ये सुनाएगी हमको कथा, और ये बैठे हम सारे के सारे। ले बहना टिक्का लगाओ। हाँ लगा। ठंड लग रही है क्या? नहीं नहीं जे हो आगे हो जाओ थोड़ी सी।
ये हम सब कथा सुनने के लिए बैठे हैं आज, मैं भी आगे इनके साथ। टीका लगा लिया है, गणेश जी को बैठा दिया है, गणेश जी की पूजा कर ली है और अब यहाँ से कथा शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से शुरू होगी कथा। फोटो ले ली गई है। भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, फिर भोजन करते हैं। कथा। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बातें सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो कथा कर ली है, सूरज को जल चढ़ाने जाएंगे और प्रसाद ले लिया है। अब सारे खड़े हो रखे, थोड़ा अपने लिए सकते भी दिखा देते हैं, थोड़े साथ साथ हो जाओ, ठीक है। सारे रहने आज नहाए हुए हैं इसलिए साथ हो सकते हैं। सारे ने आ रही थे दो पार्ट में फोटो खींच लिए, एक में भी खींच
हेलो हेलो मैं भी हूँ वीडियो बन रही है ये सिर भी ला रही है साथ में हेलो 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 तू भी कर ले ऐसे ऐसे करते जरा मेरे को भी दिखा दो मजा आ गया हैशटैग बच्चे तूने भी व्रत रखा है कितने बजे आपने भी व्रत रखा है किसके लिए ऐसे ही रख लिया मन कर रहा था बगली क्या कर रही है रुक इसमें पड़ोगी टाइट रखो आंटी जी आपने ऐसे ज्यादा प्रसाद देने लगे हो हस्बैंड का नाम अरे तू नहीं ढूंढ पाएगी मैंने तो ढूंढने की है भी नहीं ली ड्यूटी आपका दिख रहा है बंदा आपका अरे इतनी इंक्वायरी मत कर आपका आपने लिखवाया है नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा भूल गए आंटी मिल गया भूल गया हाँ वो रबी तेरा मनीष कह रहा था मैं जवानी में तो आपने आपने लिखवाया है ना ना आपने लिखवाया ये लो मेरे हाथ आ गए इनने तो जरूर लिखवाया भूल गई थी मैं यहाँ आ गया सबसे बढ़िया ये मेहंदी है मैंने खुद नहीं लिखवाया मनीष सबसे बढ़िया मेरी होएगी ये मेरे पति ने ही लगाई है सबसे बढ़िया आप करिए पहले ऐसे तो लगाते थे इसमें सबसे कम टाइम लगा होगा ना लगाने में ऐसे ही होना चाहिए उनके लिए ना तो रख रहे हो तुम ही लगाओ मेहंदी कैमरे दोनों पास में लिया नहीं तो इधर 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 तो फ्रेंड्स ये वेरी गुड हाँ वेरी गुड किसी ने दो बार है ना वो दो बार भी आ सकता है घूम के सही है सही है ये तो रह गए थे अब डांस हो जाएगा सबका अब देखो सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं वो किस किस को लग रही है किसी को तो लग रही है अभी लड्डू खा लिया गाइस जब हम ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं और निकलते हैं आगे के लिए और ये सब अपने अपने घर जाएंगे हमने दूर जाना है ये देखो यहाँ प्रसाद है और इधर से वो फोटो खिंचा रहे हैं अब सब मौज मस्ती कर रहे हैं अपनी अपनी तो अब हम चलते हैं घर के लिए अपने अपने चलो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और शेयर जरूर करना सब्सक्राइब कर देना शेयर करना अपनी वीडियो देखिए अपने देखिए।